Hi guys, welcome back to my channel. I am Mariam and I am here with a brand new tutorial of painting pots. So in today's video, I am going to share with you guys that how I decorate my planter stand in a very unique way. So agar aap mere channel pe new hai aur aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya to kindly subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Isse meri videos aap tak sabse pehle pahunchengi. और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि किस किस प्लांटर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और अगर आप उनकी मेकिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दूंगी ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए देखना. सो ये रहे मेरे सकुलेंट्स एंड स्मॉल प्लांटर्स जो कि रैंडमली पूरे घर में पड़े हुए थे. सो आई हैव डिसाइडेड कि इनको कलेक्ट किया जाए और गार्डन के एक कॉर्नर को डेकोरेट किया जाए और ब्यूटीफुल लुक दी जाए. आप देख सकते हैं ये मेरे प्लांटर्स मैंने एक बास्केट में कलेक्ट कर लिए. सो फॉर दिस सकुलेंट्स एंड स्मॉल पॉट्स आई हैव बॉट अ वुडन प्लांट रैक और अब मुझे मेरे गार्डन में एक स्पेस चाहिए थी जहां मैं इसको फिक्स कर सकूं एंड एट लास्ट आई फाउंड दैट प्लेस. सो ये रही वो जगह और मैंने नेल्स ऑलरेडी लगा लिए. अब टाइम है कि हम अपना रैक फिक्स करें इस पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बास्केट वाले प्लांटर्स को इस पे रखूंगी. सो ये रहा मेरा कप जो कि 2 months ago टूट गया था. तो रेदर देन के मैं इसको फेंकती आई हैव डिसाइडेड कि क्यों ना इसको रीयूज किया जाए और इसमें मैंने मनी प्लांट लगा लिया. दिस इज अनदर पॉट जो मैंने रिसेंटली बाय किया है और ये मैंने पेयर्स की फॉर्म में बाय किया है. नेक्स्ट है टाइनी वाटरिंग कैन, ये मुझे बहुत पसंद है और इसको आप रख सकते हैं एज अ डेकोरेशन. दिस मग ये भी साइड से टूट चुका है. इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस बनी हुई है और इसमें जो प्लांट है वो है सिंगोनियम. नेक्स्ट दिस वाटरिंग कैन जो कि सेरेमिक की है और इसमें मैंने जो प्लांट लगाया है वो एलोवेरा की फैमिली से बिलोंग करता है और साइड में मैंने जेड भी लगाया है. एंड नेक्स्ट इस टेराकोटा पॉट जिसमें मैंने पेंसिल कैक्टस लगाया हुआ है और इस टेराकोटा पॉट पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि कैसे मैंने एक्रिलिक पेंट्स यूज़ करते हुए अपने पॉट को ग्लीजी लुक दी थी. अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दिया है, आप देख सकते हैं. अनदर टेराकोटा पॉट जिसमें मैंने मिनी स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, इसको हम यहाँ रख देंगे. नेक्स्ट दिस 2 पॉट्स जिसमें कैक्टस की डिफरेंट वेराइटीज़ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं. नेक्स्ट दिस पॉट एज आई टोल्ड यू दैट ये मैंने रिसेंटली बाय किया है. ये एक इसके साथ को ऊपर रखा है मैंने और ये वाला पॉट मैं नीचे रखूँगी. नेक्स्ट दिस पॉट जो कि मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स पेंटिंग और इसमें पीस लिली लगा हुआ है, इसको हम यहाँ रख देते हैं. नाउ दिस पॉट जिसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा हुआ है और मेरे पास एक बास्केट थी, ये रही बास्केट और इसका हैंडल टूट चुका है. तो रेदर देन कि इसको मैं फेंकूँ मैंने ये पॉट इसमें फिक्स कर दिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है. अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. नाउ दिस 2 ब्यूटीफुल स्मॉल पॉट्स जिसमें कैक्टस की डिफरेंट वराइटीज़ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इसको भी हम रख देते हैं अब यहाँ. और ये मेरे पास एक वुडन पीस था और मेरे घर का सबसे छोटू प्लांटर जो इसमें फिक्स हो रहा था इसमें मैंने फिक्स कर दिया इसको. ऑल्दो ये पेंट नहीं हुआ बट सून मैं इसको इंशाल्लाह ताला पेंट करूँगी एक अपकमिंग वीडियोस में और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. इसको भी यहाँ रख देते हैं. सो गाइस इस रैक के नीचे वाली जगह एम्प्टी थी सो आई हैव डिसाइडेड कि इसको फिल किया जाए. फॉर दैट मैंने ये स्टोन्स ये पेबल्स यू कैन से लिए जो मैंने रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में बनाए थे और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ. तो मैंने ये वही बास्केट डेकोरेट कर लिए उसको अंदर से पेबल्स रख के और अब मैं इसको वहाँ रखती हूँ. उसके लिए मैंने थोड़ा उसको ऊँचा करना तो एक स्टोन रखा है और अब मैं इसको फिक्स करती हूँ इस जगह पे.
सो गाइस अभी भी हमारे पास स्टिल स्पेस है और मैंने इधर अपने मैंडेला पॉट रखा है जिस पे मैंडेला पेंटिंग मैंने की थी और कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रेजेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे रही हूँ, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अब बाकी मैं अपने स्मॉल प्लांटर से जगह कवर कर रही हूँ। सो आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला ही होगा कि आप अपने घर को, अपने गार्डन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइस कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, गो देयर, गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देयर। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ ट्यूटोरियल एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल वॉच माय अदर वीडियोज़ एज वेल। Till then, see you next time. Bye-bye.